हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन। मेरा नाम है गीता चौधरी और आज का जो टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन ह्यूमंस। तो चलो देखते हैं। जो पहला है सलाइवरी ग्लैंड होता है जो कि सलाइवा में होता है, या बोल सकते हैं कि सलाइवा सीक्रेट करता है। और ये कहाँ पे मिलेगा? ये हमारे बक्कल कैविटी में होगा, मतलब ये जो ग्लैंड है वो हमारी बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होगी। और ये दो एंजाइम्स निकालती है, दो एंजाइम सीक्रेट करती है। तो कौन से होते हैं वो? तो एक तो होता है सलाइवरी एमाइलेज, जिसको हम टाइलिन बोलते हैं, और दूसरा होता है माल्टेज। ठीक है गाइस, सेकंड की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो होता है हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड। और गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो कौन सा डाइजेस्टिव जूस निकालेगी? गैस्ट्रिक जूस। और ये हमारे स्टमक में होता है। ये तीन मेन एंजाइम होते हैं जिनको सीक्रेट करते हैं। पहला तो होता है पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेस। थर्ड पैनक्रिया होता है, पैनक्रियाज, जो कि हमारे पैनक्रियाटिक जूस मतलब डाइजेस्टिव टाइप का जो जूस निकालती है पैनक्रियाज, तो वो होता है पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस। और ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। ये मतलब एट निकालेगी, एट एंजाइम्स को सीक्रेट करती है। तो वो कौन कौन से होते हैं? ट्रिप्सिन होता है, काइमोट्रिप्सिन होता है, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, एमाइलेज, लाइपेज, माल्टेज, लैक्टोज और राइबोन्यूक्लियोज। ठीक है, जो फोर्थ नंबर है वो इंटेस्टाइनल ग्लैंड, और ये इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट करेगी। इंटेस्टाइनल जूस ये जिसको हम क्या बोलते हैं, सक्कस एंटेरिकस भी बोलते हैं, जो कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। इसके एंजाइम देखते हैं तो एंटेरोकाइनेज होगा, एंटेरोकाइनेज, ट्रिप्सिन होगा, माल्टेज होगा, फिर होगा सुक्रोज, सॉरी सुक्रोज नहीं सुक्रेज, सुक्रेज होगा, लैक्टेज होगा, पेप्टिडेज होगा, लाइपेज होगा एंड एक और होगा एट न्यूक्लियस। इसको हम न्यूक्लियोटाइडेज भी बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइडेज। ठीक है गाइस, तो ये है हमारी